five things that stops us. वो पांच चीजें कौन सी है जो हमें रोकती है तरक्की करने से. नंबर वन, इंडियन बिजनेसमैन को ईगो बहुत है. हमको ईगो बहुत है. मेरे जैसा आदमी आगे अगर एक सलाह देने की कोशिश करेगा तो हम क्या बोलते हैं, मने बधू आवड़े छे, सलाह नहीं आपनी, हम तो व्यापार करिए छे. ना हमको जो ईगो है ना, इंडियन बिजनेसमैन को जो ईगो है, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ता है कि हम अगर बिजनेस में, हमारी कंपनी में कोई हमारे आइडिया को चैलेंज करता है, हमें अच्छा नहीं लगता, और इसलिए हम हमेशा हमसे कमजोर आदमी को ही हमारे स्टाफ के तौर पे हायर करते हैं, अपने से ज्यादा होशियार आदमी को हम हायर नहीं करते, क्योंकि वो आदमी हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाता. सो हमारा ईगो इतना बड़ा है कि कंपनी को सैक्रिफाइस कर देंगे लेकिन अपने से होशियार आदमी को अपने यहां काम पर. सो ये ईगो हमारी ग्रोथ को रोकता है. इतनी अपॉर्चुनिटीज है बॉस, छोटी छोटी चीजें हमें रोक रही है. पॉइंट नंबर टू, वी आर वेरी वेरी पजेसिव. पजेसिव यानी मेरी कंपनी है, सारे डिसीजन मैं ही लूंगा, इसलिए आप अथॉरिटी पास नहीं करते, किसी को डिसीजन मेकिंग का फ्रीडम नहीं देते, अपने स्टाफ को सोचने तक की आजादी नहीं देते, सारे डिसीजन हम ही लेंगे, इसलिए हमारे बिना धंधे चल नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी अपने लोगों को एम्पावर किया ही नहीं है. हम इतने पजेसिव है, मारी कंपनी छे, पूछ बद्दू करीस. आप गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को स्टडी करना, ये कोई डिसीजन नहीं लेते और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और हम सारे लेते कुछ नहीं कर पाते और फिर भी बोलते मने बद्दू. पॉइंट नंबर थ्री, वी आर वेरी इनसिक्योर. शक्की टाइप के, डरपोक टाइप के बिजनेसमैन है, इसलिए हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करते, अपने स्टाफ के साथ नेसेसरी डेटा शेयर नहीं करते, अपनी टीम के साथ वो डेटा शेयर नहीं करते, ओपन इंटरेक्शन नहीं करते, ये सारे रिपोर्ट खुल के शेयर नहीं करते, उनसे डेटा छुपाते, उनसे इंफॉर्मेशन छुपाते. किस टाइप का डर रही है, क्या इनसिक्योरिटी हमको, क्या लूट लेने वाले हमारे टीम मेंबर्स हमसे, लेकिन हम डरते और इतने ज्यादा डरते कि डेटा को इतना टाइटली छुपा के रखते कि खुद भी कभी ढूंढने जाओ तो 6-6 महीने तक डेटा नहीं मिलता. ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं भाई, 12 साल काम किया इंडस्ट्री के साथ और यही प्रॉब्लम देखी है. फोर्थ, वी आर इग्नोरेंट. बहुत सारी बातें हमें नहीं मालूम, अज्ञानी है हम. हम जो धंधा आज कर रहे हैं दिन के 10-12 घंटा देके, वही बिजनेस कोई और आदमी हमसे 200 गुना बड़ी कंपनी चला रहा है और दिन का सिर्फ 20 मिनट देता है. वो कैसे काम करता है हमको नहीं मालूम और हम जानना भी नहीं चाहते. आप जिस बिजनेस को जिस स्टाइल से आप चला रहे हो, उसी बिजनेस को करने के 1000 और तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते. नॉलेज है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि हूँ MBA छू मने बदू. नाउ रिसेंटली मैंने एक कोट सुना था, बड़ा अच्छा कोट था, लैक ऑफ नॉलेज से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है इल्यूजन ऑफ नॉलेज. ज्ञान का नहीं होना, ज्ञान का नहीं होना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्ञान है इसका भ्रम होना. सो लैक ऑफ नॉलेज से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है इल्यूजन ऑफ नॉलेज. फोर्थ प्रॉब्लम, वी आर इग्नोरेंट. एंड फिफ्थ प्रॉब्लम, वी आर डायरेक्शनलेस. कोई पूछ ले अगले 2 साल में क्या अचीव करना है, 5 साल में क्या अचीव करना है, विजन क्या है, मिशन क्या है, पर्पस क्या है, 10 साल में क्या अचीव करना चाहते हो, लाइफ टाइम के गोल्स क्या है, इस कंपनी को अपनी जिंदगी के अंदर जब आप 30-40 साल देने वाले हो, आखिर 40 साल में क्या अचीव करना चाहते हो, 100 में से 99 लोगों के पास इसके जवाब नहीं है. वी आर डायरेक्शनलेस. डायरेक्शन को अगर विजन से रिप्लेस कर दिया जाए, इनसिक्योरिटी को कॉन्फिडेंस के साथ, इग्नोरेंस को नॉलेज के साथ, ईगो को ह्यूमिलिटी के साथ, तो क्या हो सकता है. पजेसमेंट को अगर आप कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ, लीडरशिप कोलैबोरेटिव लीडरशिप अप्रोच रखो, अपनी टीम को सोचने का. सी यार, ऊपर वाले ने जब हमको पैदा किया ना, तो उसने 3 इंपॉर्टेंट चीजें दी थी हमको. कहा जाता है कि इंसान को सबसे भारी 3 चीज दी थी ऊपर वाले ने. नंबर वन इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं. नंबर 2 फ्रीडम ऑफ स्पीच, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो, ऊपर वाला के मुंह बंद नहीं करता आपका, और इसलिए लोग बोल के आग भी लगा देते हैं और वो रोकता नहीं है, और कुछ लोग इंस्पायर कर देते हैं बोल के. सो
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड तीसरा है सॉरी स्पीच एंड थर्ड इज फ्रीडम ऑफ चॉइस. फ्रीडम ऑफ चॉइस, जब चाहो जो करना चाहो आप कर सकते हो, ऊपर वाला आपको रोकेगा नहीं. उसको मालूम था कि आप गलत फहमी में कुछ गलत काम कर सकते हो, दुनिया में आके दुनिया को नुकसान पहुंचाने के काम भी कर सकते हो, लेकिन रोकता नहीं है. ट्रस्ट किया है तो पूरा किया है, बार बार आके रोकता नहीं है, टोकता नहीं है आपको. तो जब ऊपर वाले ने ये चीज दी है तो हमें भी हमारी लीडरशिप में ये चीज अप्लाई करनी चाहिए ना. अपनी टीम पे ट्रस्ट करो, उसको फ्रीडम दो, उनको कुछ बोलने का मौका दो, उनको भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी दो, अपने आइडिया शेयर करने का मौका दो. लेकिन नहीं, मारी कंपनी में सौथी होशियार मानस कौन? ये पांच चीजें हमें बर्बाद कर रही है. अगर हम चेंज नहीं हुए, ये अपॉर्चुनिटीज का फायदा मल्टीनेशनल लेंगी, इंडियन बिजनेसमैन नहीं लेगा. इंडिया की इकोनॉमी फिर भी ऑन पेपर उतनी ही स्ट्रांग होगी जितनी दिखती है, लेकिन इंडियंस की इनकम नहीं बढ़ेगी, इंडियन बिजनेसमैन इस लिस्ट में कहीं नहीं होगा, मल्टीनेशनल्स इस देश की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे अगर हमारे इंडियन बिजनेसमैन सुधरे नहीं तो. बदले नहीं तो नहीं, सुधरे नहीं तो.